सुनो, एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। इग्नोर मत करना प्लीज। आज यूं ही बैठे बैठे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था उस वक्त के बारे में जिस वक्त शुरुआत हुई थी हमारे रिश्ते की। मैंने महसूस किया कि जिस तरह मैं तुम्हें ट्रीट करता था, प्यार से पेशेंस के साथ काम ली, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मेरा बिहेवियर बदलने लगा तुम्हें लेकर। न जाने ये क्यों हुआ, ये कब होने लगा, कब मेरी जुबान में मिठास की जगह कड़वाहट आने लगी तुम्हें लेकर। आज सोच रहा हूँ इस बारे में तो कितना बुरा लग रहा है मुझे। आज एहसास हो रहा है हर उस बार का जब जब तुम पर चिल्लाया मैं, जब जब तुमसे बदतमीजी से बात की, क्यों वो जो बेशुमार प्यार था वो आज गुस्से में बदल गया है। तुमने कई बार कोशिश करी बात करने की, कई बार मुझसे कहा कि मैं ध्यान दूं और ठीक करूं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी इस बात को कभी इतनी गहराई से न सोचा और ना ही इस पर अमल किया। आज अफसोस हो रहा है और मैं रोक नहीं पा रहा खुद को ये कहने से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। मुझे नहीं पता कि मैं माफ़ी के काबिल हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है तुम्हारा इन सब बातों से दिल दुखा के। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस हर एक रात के लिए जिस रात हमारी लड़ाई के बाद तुम रोते रह गए और मैं गुस्से में सो गया। उस हर एक रात के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिस रात तुम मेरे बारे में सोचते सोचते जागती रही और मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सका। कितना गलत, कितना ज़्यादा गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। मैं दिन पर दिन बुरा बनता गया ऐसे गुनाह करके, और तुम दिन पर दिन अच्छी बनती गई मुझे माफ़ कर करके। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे खूबसूरत हमसफ़र मिला, पर फिर भी तुम्हारी कदर ना कर सका। हम क्यों जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा दिल भी उसी का दुखाते हैं, क्यों हम उसे हमेशा खुश रखने में नाकामयाब हो जाते हैं, क्यों हम उन्हें ग्रेंटेड ले लेते हैं जो दुनिया जहां की मोहब्बत और केयर डिजर्व करते हैं। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ और मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी सजा जरूर मिले, जरूर जरूर मिले। मैं अब तुम्हें खुश रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हें वो सम्मान दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। बस बस तुम साथ निभाना।